क्वेश्चन सिक्स, व्हाट इज 8/11 डिवाइडेड बाय 3/11। सिंपल आपके पास क्वेश्चन मौजूद है, उसको आपने सॉल्व करना है। एक्सप्रेस योर आंसर एज अ मिक्स्ड नंबर, मिक्स्ड नंबर में आएगा, होल नंबर में आएगा, इन इट्स सिंपल फॉर्म, लेकिन होगी वो सिंपल फॉर्म में। अब आपके पास 8/11, 8/11 मीन 11 लाइन्स ड्रॉ की, बॉक्सेस बनाए 11 और उसमें से 8 को फिलअप कर दिया, ये 8। अब आपने बताना है कि इसका आंसर एक्चुअल आना क्या है। अब हम इसको यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन है 8/11 डिवाइडेड बाय 3/11, ये 8/11 एज इट इज़ है हमारे पास, डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज, ये 11/3। अब यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही है, 11 से कैंसिल, यहाँ आ गया 8/3। अब हम लिखेंगे 8/3। अभी आपके पास ऊपर ग्रेटर नंबर है, नीचे स्मॉलर नंबर है, यानी अब हम यहाँ क्या करेंगे, डिवाइड में बराबर में ही करती हूँ ताकि आपको समझना आसान हो जाए। ऊपर वाला नंबर अंदर आता है और नीचे वाला नंबर बाहर, 3 2s are 6, नंबर रिमेनिंग है हमारे पास 2। यानी यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, मैंने आपको पहले भी एक चीज़ बताई थी, हम इसको क्या करते हैं क्लॉक वाइज लेके चलते हैं, यूँ घड़ी यूँ चलती है ना, यूँ करके। तो इससे आपने याद रखना है, सबसे पहले हमने कौन सा नंबर लिखना है, 2, ये रहा 2, इसको हमने सबसे पहले लिखा होल नंबर में, उसके बाद ये 2, ये देखें यूँ करके यहाँ मूव किया, ये सेकंड नंबर पे ये आया, ये रहा 2, अपॉन लास्ट में क्या है 3। अब इसको रीचेक करते हैं, 3 2s are 6, 6 में 2 ऐड किया तो 8, 8/3, इसका मतलब ये आपके पास आंसर आ गया। 7th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपके पास 7/9 डिवाइडेड बाई 5/9 मौजूद है, आपने मिक्स नंबर में जिस तरह से ऊपर 6 किया है उसी तरह से ये क्वेश्चन भी सॉल्व होगा। इसको हम कॉपी पर सॉल्व करते हैं अपने रजिस्टर पर। क्वेश्चन 7 है, ये रहा 7/9 एज इट इज़ रेसिप्रोकल, यानी मल्टीप्लाई बाय 9/5। अब यहाँ पे हो रही है कैंसिलेशन, कैंसिलेशन हम करेंगे, यानी 9 1s are 9, 9 1s are 9। अब देखा जाए तो हमारे पास नंबर ये दोनों कैंसिल होगा, 7/5 आएगा। मैं यहाँ पे पहले डिवाइड बना देती हूँ और यहाँ पे हम लिखेंगे पहले कौन सा नंबर आएगा हमारा, 7 1s are 7, 1 5s are 5। ऊपर वाला नंबर हमेशा अंदर आता है, ये रहा 7 और ये रहा 5, 5 1s are 5, रिमेनिंग नंबर इज 2। क्लॉक वाइज लेके चलेंगे, 1 होल नंबर 2/5, ये रहा 1 होल नंबर 2/5। अब ये पेज नंबर 49 है हमारे पास, पेज नंबर 49 का क्वेश्चन 8 सॉल्व कर रहे हैं हम अपने रजिस्टर पर। क्वेश्चन 8 ये है, 3/5 एज इट इज़, दो क्वेश्चन हम एक साथ सॉल्व करेंगे, 3/5 भी और 9/10 भी एज इट इज़, दोनों का डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज हुआ, ये रहा 1/5, 5/1 हो गया, और इसी तरह यहाँ पे भी ये रेसिप्रोकल हो गया, 10/3। अब हम देखेंगे इसमें हमारे पास हो रही है कैंसिलेशन, यानी 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल हो गया, 3 1s are 3, 3 3s are 9। अब देखा जाए तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, 3 1s are 3, यानी 3 इसका आंसर आया, यहाँ पे 3 1s are 3, यहाँ पे भी 3 आंसर, क्योंकि कैंसिल होने के बाद तो 1 आएगा, 1 लिखने की ज़रूरत क्या। अब इस तरह हम आते हैं क्वेश्चन सी पे, इसमें भी हम दो क्वेश्चन एक साथ ही सॉल्व कर रहे हैं, 5/8 एज इट इज़, यहाँ पे 7/12 एज इट इज़, डिवाइड चेंज हुआ मल्टीप्लाई में, नंबर हुआ रेसिप्रोकल, डिवाइड हुआ मल्टीप्लाई में और नंबर हुआ रेसिप्रोकल। अब हम इसकी करेंगे कैंसिलेशन, 8 8 से कैंसिल, 5 और 3 नहीं हो सकते, 12 1s are 12, 12 1s are 12। अब इस तरह से अगर देखा जाए तो हमारे पास आंसर आ रहा है यहाँ 5/3, फाइनल आंसर नहीं है, इसी तरह यहाँ पे आ रहा है 7 1s are 7, यानी 7/5, ये दोनों नंबर आ गए
अब आप ज़रा देखें कि ऊपर का नंबर है ग्रेटर और नीचे का है स्मॉलर, यहाँ पे हम साइड में इसी के साथ ही डिवाइड कर दें। अगर आप लोग इसके साथ ही डिवाइड करें तो ये सबसे अच्छा रहता है। ऊपर वाला नंबर कहाँ आएगा? अंदर। ऊपर वाला नंबर कहाँ आएगा? अंदर। नीचे वाला नंबर आएगा बाहर। भाई जो पहले आएगा वो पहले अंदर जाएगा, जो पहले आएगा वो पहले अंदर जाएगा। इसी तरह ये रहा 5। अब 3 1s are 3, रिमेनिंग नंबर इज 2। 5 1s are 5, रिमेनिंग नंबर इज 2। क्लॉकवाइज लेके चलेंगे और ये आ जाएगा हमारे पास, सबसे पहला नंबर क्या लिखेंगे हम? 1 होल नंबर। इसका होल नंबर क्या आ जाएगा? इसका भी 1। 2 upon 3, यहाँ क्या आ जाएगा? 2 upon 5, 2 upon 5, ये हो गया आंसर। यानी अब आपका 49 पेज नंबर कंप्लीट।